औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आख़िरुज़्ज़मान अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा व तैयतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और बिलखसूस जितने भी अहले शौक पंजाब, पाकिस्तान और बैरून ममालिक दोस्त अहबाब हैं, उनकी खिदमत में जमालपुर सईदा गुजरात से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, असवज 2021 का आगाज़ हो चुका है। 17 को भी एक प्यारा उड़ा और आज भी एक वनडे टूर्नामेंट हो रहा है। मुनसफ मैं जिस छत पर खड़ा हूँ इस वक्त, सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब, सैयद सगीर हुसैन शाह साहब, सैयद खुर्रम शाह साहब, खुर्रम शाह साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो दोस्तों, मौसम की सूरत हाल कुछ गुनागुन है। मैं जिस वक्त का आया हूँ, खुर्रम शाह साहब बता रहे हैं कि गिरदोनवा में भी बारिश हो रही है। कुछ लोकल कमेटियों ने यहाँ टूर्नामेंट कैंसिल करने का भी ऐलान किया है। मौसम बहरहाल बात का नहीं पता, अभी जो मौसम है यहाँ गुजरात में भी मौसम उस तरह नहीं है, इसको कहा जाए कि मौसम साफ है। तो दोस्तों, कठाला आज यूनस कठाला उनकी छत से आए मुनसम मंसूर, वो कबूतरों को मोरे लगा रहे हैं। आप पहले वो प्रोसेस देखें, इंशाल्लाह फिर आपके साथ बातें होंगी। ये दो कबूतरों को मोरें लग चुकी हैं। गुज़श्ता जो प्यारा था दोस्तों, उसमें आपने देखा कि अभी भी व्हाट्सएप में आप देख रहे हैं कि मैसेजेस चल रहे हैं कि उस प्यारे में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और आज भी अंदेशा है कि पंजाब की सतह पे टूर्नामेंट अगर उड़ेगा, जहाँ जहाँ मौसम ज़ाहिर है ख़राब है, वहाँ कबूतरों का लॉस होना है। तो दोस्तों, ये तकरीबन दो कबूतरों को मोरें लग चुकी हैं। काले खां जो कि उस्ताद सैयद खुर्रम शाह साहब, उनकी वो सरपरस्ती में यहाँ काफ़ी अर्सा से वो शो कर रहे हैं उनके साथ। तो दोस्तों, काले खां मैं जब से मेरे ख्याल में मेरा जमालपुर सईदा आना हुआ है, जिस वक्त पुरानी डेरे वाली छत थी उस वक्त वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि काले खां बड़ी ख़ास मेहनत करता है और उसको सरपरस्ती जो है सैयद खुर्रम शाह साहब, और इसी तरह उस्ताद इम्तियाज़ इराबीना वाले, उस्ताद हमायूं भट्ट सियालकोट सीट वाले, उनकी भी रहनुमाई और सरपरस्ती हासिल है। ये दोस्तों चौथे कबूतर को जो है वो मोर लगी है। तो आप दोस्तों ने इस तरह करना है कि मेरे इस पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मौसम अगर यहाँ भी अगर आप देखें, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, तो हवा भी तेज़ चल रही है, इसी तरह मौसम भी जो है ख़राब है। समड़ियाल से सुनी थी कि समड़ियाल एयरपोर्ट से कि वहाँ बारिश हुई है, यहाँ भी हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी इस वक्त जो है वो शुरू हो चुकी है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, अब आज भी देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे, अगर अल्लाह करे मौसम अच्छा हो, आपके खेल का और इस मौसम का बड़ा चोरी दामन का साथ है। मौसम अच्छा हो, कबूतर अच्छे उड़े हैं सब के बैठे, तो फिर मज़ा आता है। तो आज भी मौसम अब सुनील ये है कि कुछ थोड़ा सा टाइम मौसम सुबह ख़राब रहेगा, उसके बाद जो है मौसम ठीक होने के इम्कान हैं। तो ये आप देख रहे हैं सामने, ये हाजी यूनस साहब कठाला चनाब गुजरात, उनकी छत से मंसूर चौधरी मंसूर जो है वो कबूतरों को मोरें लगा रहे हैं।
तो गुज़श्ता प्यारे में दोस्तों इस छत ने आपने देखा कि बड़ा शानदार काफ़ी अच्छा से आप देखते हैं कि ये छत जो है गुजरात से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। गुज़श्ता जो प्यारा था उसमें इनके दो कबूतर नहीं बैठ सके उस दिन, मगर ये है कि उस दिन गुजरात में भी उस दिन बड़ा रास हो, बहुत ज़्यादा लोगों के कबूतर जो है वो ज़ाया हुए हैं। तो उस प्यारे में गुजरात से एक प्यारा चंदोला क्लब की ज़ेर निगरानी उड़ाया गया, उसमें इस छत ने 151 घंटे 53 मिनट बनाकर 13 कबूतरों के साथ जो है गुजरात से वो टूर्नामेंट विन किया। इसी तरह बाकी तीन टूर्नामेंट जिसमें दो बैन अजलाई टूर्नामेंट, एक पंजाब की सतह का टूर्नामेंट, उस टूर्नामेंट में तकरीबन 152 घंटे 23 सेकंड जो है वो बनाकर इस छत ने दूसरी जो है वो पोजीशन हासिल की। और उस टूर्नामेंट में अच्छा एक छत उड़ी मंडी बावदीद से जैन मथा, उस्ताद चौधरी मोइनवाज ग्रुप से उनका तलक है, खुरम जो कि चौधरी खुरम अमरा से उनका वो शागिर्द है, बड़ा अच्छे उसने कबूतर उड़ाए। तो दोस्तों आइए सैयद खुरम शाह साहब से पूछते हैं कि क्या कह रही हैं टूर्नामेंट कमेटियां वगैरह। शाह जी की कहते हैं कोई टूर्नामेंट ना ले लाई कमेटी तो किसी रबता नहीं किया, मौसम उड़ाने वाला तो है रुकना तो नहीं। अच्छा यहाँ तो बहुत नहीं तूफान नहीं है उड़ने नहीं इंशाल्लाह। इतनी भी छोटी छोटी बारिश शाह जी शुरू हो गई है, हमारे कबूतर रोक नहीं सकते। तो दोस्तों सैयद खुरम शाह साहब ये बता रहे हैं कि अभी तक क्योंकि पंजाब की सतह में भी आज टूर्नामेंट जो है वो प्यारे का उड़ रहा है, ये 15 कबूतरों का, ये गुज़श्ता कुछ अर्सा से आप देख रहे हैं कि प्यारों का एक ट्रेंड जो है वो पंजाब की सतह पर अब इन शहरों में भी बहुत ज़्यादा हो गया है। मगर इसके साथ साथ आपने देखा कि गुज़श्ता प्यारे में बहुत ज़्यादा लॉस हुए हैं लोगों के, 9-9, 11-11, 10-7, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 कबूतर वो जो है वो नहीं है, एक बहुत बड़ा लॉस है। तो उस सिलसिला में मैं देख रहा हूँ तो आज का जो प्यारा है दोस्तों इसमें 8 कबूतर उड़ाए जा रहे हैं और उसमें 7 कबूतरों का जो है वो टाइम होगा। गुज़श्ता जो 15 कबूतरों का प्यारा था उसमें ज़्यादा जो है लोगों का लॉस हुआ है। सैयद कबूतरों को मोरे लग चुकी हैं, काले हाजरा मिनट बुआ खोड़ी जरा आगा होके काले आगा हो। सियालकोट में बारिश हो रही है, हाँ बोल ना दस करे मौसम सही हो, तमाम दोस्तों की जो मेहनत है वो रायगा ना जाए, लोगों के कबूतर घर बैठे। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम रह गया है तो इंशाल्लाह उन सब के साथ भी कुछ चंद बातें होगी। ये दोस्तों सैयद मुनीर हुसैन शाह, तो दोस्तों ये सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब आप जमालपुर सईदा उनकी छत के जो हैं ये मनाजर हैं अभी। और आज के प्यारे में जो है वो 8 कबूतर उड़ाए जा रहे हैं
जिनमें 7 कबूतरों का जो है वो टाइम नोट होगा। ये आप देख रहे हैं कि उस्ताद काले खां जो है, काले खां को भी सईद खुर्रम शाह साहब ने साथ रखे, उन्हें उससे उन्होंने ट्रेंड किया बाकायदा, उसके बाद उसे उस्तादी भी दी। ये सैयद मुस्तनसर शाह साहब। शाह साहब क्या हाल हैं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो दोस्तों, गुजरात का जो मौसम है, सुबह हम जिस वक्त यहाँ पहुँचे तकरीबन 5:30 बजे, तो हवा भी तेज़ चल रही थी। अभी भी अगर आप देखें तो बादल जो हैं वो गहरे हैं, सियालकोट से, समड़ेयाल से हम सुन रहे हैं क्या ये सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब की छत से। दोस्तों आप देख रहे हैं कि कबूतरों ने जो है वो उड़ान भर ली है, और आज के प्यारे में 8 कबूतर जो है वो उड़ाए जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि हल्की हल्की कबूतरों के उड़ने से भी आपको महसूस हो रहा होगा, आप तकरीबन कोई 4-5 मिनट टाइम होता है, झंडी टाइम होता है। ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि आवाज ऊपर भी ज़ाहिर है, आवाज़ ज़्यादा है ऊपर भी, और मौसम भी बादल हैं, बड़े सख्त बादल हैं। दोस्तों 7 कबूतर जो है वो इकट्ठे आपको नज़र आ रहे हैं, 1 कबूतर जो है वो नीचे है, बाकी 7 कबूतर जो हैं अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो ये इकट्ठे जा रहे हैं ऊपर। तो दोस्तों आज भी मौसम जो है, ज़ाहिर है अगर मौसम अच्छा ना हो तो मज़ा नहीं आता। मौसम और कबूतर परवरी जो है ये कबूतर भी आप देख रहे हैं नीचे से जो है ऊपर उनके साथ जो है कोशिश कर रहा है कि जाके मैं मिल सकूं। एक और कबूतर जो है हवा की वजह से आप देख रहे हैं वो ये बादलों में, अगर आप देखें तो एक अकेला कबूतर हवा है, ऊपर भी हवा है। इस तरह दोस्तों सईद खुर्रम शाह साहब, और इसी तरह ये हाजी यूनस साहब कठाला चनाब गुजरात, उनकी छत से ये आए मुनसफ मंसूर, वो बैठे हुए हैं। काले खां जो है वो झंडी के का एक टाइम होता है तकरीबन 5 मिनट। ये दोस्तों अगर आप देखें तो ऊपर भी हवा है, कबूतर कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं हवा से, और आज भी मौसम जो है ये अगर गिरदोनों आप देखें, ये सियालकोट वाली साइड है, ये जो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने लगा हूँ, ये अगर आप देखें तो ये पीछे आपको इन इस बस्ती के पीछे आपको गहरे जो हैं वो बादल नज़र आ रहे हैं। ये दोस्तों अगर आप देखें
तो ऊपर जो है बादल है, कबूतर हवा है, आपको कबूतरों की उड़ान से आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा। ये नीचे अगर आप देखें तो नीचे भी ये अलहदा अलहदा दो कबूतर जो हैं, ये एक ये कबूतर इसी तरह एक पीछे गया, और ये तकरीबन दो चार छः कबूतर जो हैं तो दोस्तों ये मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये कठारा चनाब गुजरात से ही हाजी साहब भी करवा रहे हैं टूर्नामेंट के नहीं कराना टूर्नामेंट। अच्छा, कठारा चनाब गुजरात से आप देख रहे हैं कि वड़ाइज पिजन क्लब के हवाले से एक टूर्नामेंट जो है वो भी 25 से उड़ाया जाएगा। तो हाजी यूनस ऑफ कठारा वहाँ, हाजी साहब भी इसी तरह, चौधरी आसन, ये इकट्ठे सारे दोस्त अब आप जो हैं वो शौक करते हैं। तो उस छत से ही आए मुनसिफ है मंसूर के हाल है यार, ठीक है करिए। किस तरह से यार सुबह मौसम बड़ा गलत जहा है लाला जी। अच्छा, बदल बने हैं ने, देखो फिर तू मैसेज वगैरह भी सुनता रहा कोई लोका इथे लोकल टूर्नामेंट भी कहता जिया जिया को ये होन लगे आ वे जी पे आंदे ने लेट कर लोगे तो बारिश आ गई तो बंद कर दियो, नहीं तो फिर डाए जाने घंटे बाद। अच्छा, घंटे बाद फिर डाने ही डाने जे ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੀ ਗਏ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਸੁਬਾਹ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਮੋਰਾਂ ਲਾਈਆਂ? 8 ਨੂੰ ਐਤਕੀ 8 ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। 8 ਕੋ ਤੇ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੋਟ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ 7 ਦਾ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਐਲਬਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਬਣੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਪੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇ ਪੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? 8:30 बजे। 8:30 दोस्तों, आज पंजाब की सतह पे भी आप देख रहे हैं कि प्यारों का, जैसा कि मैंने सुबह पहले आपको इंट्रो में बात की कि प्यारों का रुझान कुछ थोड़ा सा गुज़श्ता कुछ अरसा से बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ख़ुसूसी तौर पे मौसम जो है ये बस अल्लाह के काम है कि मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का गुज़श्ता प्यारे में भी आपने देखा रास हुआ। अभी शुरीद है कि शायद 22 को भी कोई या 21 को भी कोई प्यारा हो रहा है। तो ये जो टूर्नामेंट रेगुलर जो टूर्नामेंट होते हैं उन टूर्नामेंटों से पहले ये एक बहुत बड़ा रास होता है कि आपके प्लेयर 10, 11, 6, 7, 8, 9 एक छत से अगर आपका वो एक पूरी क्रीम होती है आपकी साल की जो आपने टूर्नामेंट में जिन कबूतरों को उड़ाया होता है तो बड़ा नुकसान हुआ है। मगर इस बात की भी खुशी हुई है कि अब लोगों में कुछ थोड़ा सा इस हवाले से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे एक शऊर उजागर किया गया है कि जिन जिन लोगों के पास वो कबूतर जाएँ तो वो वॉलंटियरली मतलब अपनी रजा से
वो लोगों के कबूतर किसी तरीके से भी जो भी तरीका हो वो खाना मालक को पहुँचाएँ, क्योंकि उनकी साल भर की मेहनत होती है, हो सकता है कि उन्हें आगे वो टूर्नामेंटों में काम आ जाए। इस सिलसिला में कोई दोस्त हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा दिल खुश हो रहा है कि उन्होंने इस सिलसिला में शऊर उजागर किया और उसका रिज़ल्ट भी आया। मज़े की बात यह है कि लोगों ने फिर उसका रिज़ल्ट भी आया कि लोगों ने के पास भी, ज़ाहिर है ये कबूतर जो इतने उस दिन गुजरात से भी बहुत ज़्यादा कबूतर जो हैं सैकड़ों की तादाद में कबूतर जो हैं वो ज़ाया हुए हैं, ज़ाहिर है वो कहीं गए हैं, लोगों के पास गए होंगे। तो मेरी भी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हुए जिन लोगों के भी पास जाएं, कुछ लोग होते हैं वो अब आप देख रहे हैं कि कबूतरों की कीमतें लगती हैं फिर बुलाया जाता है, तो मैं समझता हूं कि अगर आप अपनी रजामंदी से उस शौक में आप अपना हिस्सा डाल लें कि उनका एक अच्छा कबूतर आपने तैयार किया हुआ कबूतर जो है उन्हें वापस किया है, तो दोस्तों देखते हैं कि आज जो ऊँट किस करवट बैठता है। मौसम बाकी शहरों में लोग दोस्त है वो आप देख भी रहे हैं, शाह साहब ने सुबह बताया कि समणेहाल जो है वो एयरपोर्ट के नज़दीक जो है वो बारिश हुई है, सियालकोट से भी कुछ उम्मीद है, यहाँ भी हल्की जिस वक्त सुबह स्टैम्प लग रही थी तो हल्की बूंदाबांदी थी, तो अब मौसम जो है आज मौसम बकदरे गुज़श्ता रात गर्मी भी थी, अगर गुज़श्ता रोज़ की मैं बात करूँ तो बड़ी सख्त गर्मी रही है, दिन भर जो है शाम तक जो है गर्मी की इद्दत महसूस होती थी, अभी यहाँ खुला माहौल है। इसके साथ साथ दोस्तों मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि हमारे उस बड़े दरीना साथी क्वेटा से बशीर अहमद बाबी साहब, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, एक बड़े अच्छे बड़े मुखलस दोस्त थे वो, और मैं समझता हूँ कि मेरा क्वेटा का जो एक विज़िट है, ये दोनों विज़िट जो हैं ये उसी शख्सियत की मरहून मेहनत थे, वो मुझे वहाँ ढारस ना देते तो हो सकता है मैं क्वेटा ना जाता। तो गुज़श्ता रोज़ दोस्तों मैंने यहाँ आना था, उस दिन भी 17 तारीख को भी मेरी काले खां से बात हुई कि मैं पिछले टाइम इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ताकि आके शौक देखूँ, क्योंकि मेरी तबा भी इजाज़त नहीं दे रही, आज भी बड़ी मुश्किल से जो है ये सीढ़ियाँ मैं ऊपर आया हूँ। आप दुआ करें अल्लाह पाक मुझे सेहत दें और बाबी साहब की अल्लाह पाक मफ़रत फरमाए। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब तशरीफ ला रहे हैं, जो शौक है ये दोनों शख्सियात का, सुबह सैयद खुरम शाह साहब और कारे खां, बाकी जो इंतज़ामी मामलात होते हैं सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब, सैयद सगीर हुसैन शाह साहब, वो सरंजाम और भी पूरी एक यूनिटी है, दोस्त अहबाब हैं यहाँ, इम्तियाज़ सिक्कू है, चौधरी अमायू है, सुहेल भट्ट है, चौधरी कामरान है, चौधरी इरशाद चेयरमैन है, ये एक बड़ा हल्का अहबाब है शाह साहब की दोस्ती का, वो इकट्ठे दोस्त जहाँ शौक करते हैं। तो दोस्तों मैं भी बंद हो गए
थी।